हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नूपुर और नूपुर्स वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बंगाली ऑथेंटिक एक डिश की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसका नाम है भापा इलिश। इस डिश को बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इंग्रेडिएंट्स और उसकी जो क्वान्टिटीज़ है वो आपके स्क्रीन में पॉपअप हो रही होगी, तो हम इसके प्रोसीड्योर की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने हिलसा मच्छी 8 पीसेस ले लिए हैं, अच्छी तरह से धोकर मैंने यहाँ पर रख लिया है। और एक मिक्सी के जार में हमने खसखस और सरसों को पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। सरसों 1 टेबल स्पून और खसखस 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर भिगो कर रखा था। और इसके साथ हम 2 हरी मिर्ची को यहाँ ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करेंगे और 2 चुटकी भर कलौंजी यहाँ पर लेकर हम एक पेस्ट बना लेंगे। एक दूसरे बोल में हमने हिलसा मच्छी को लेकर उसको मैरिनेट करना है। जो हमने पेस्ट बनाए थे फ्रेंड्स, उसी पेस्ट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। साथ में कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल और नमक। तो हम इसमें जितने भी हमने पेस्ट बनाए थे उसको हम पूरी तरह से यहाँ पर इसके साथ मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने कलौंजी थोड़ा सा जो बचा कर रखा था उसको हमने यूज़ करना है और 2 हरी मिर्ची को स्लिट करके यहाँ पर ऐड करना है। 1 टीस्पून हल्दी हमने यहाँ पर यूज़ किया है और मस्टर्ड ऑयल लगभग 2 टेबलस्पून यहाँ पर हम इसके साथ ऐड करेंगे। बाकी के नमक को भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और साथ में इसको अच्छी तरह से हाथ से इसको मैरिनेट कर लेंगे। अब हम इसको एक टिफिन बॉक्स में डालकर प्रेशर कुकर में स्टीम होने के लिए रख देंगे। दो सीट आने के बाद हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी भापा इलिश। अब इसको डिश आउट कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी भापा इलिश। इस रेसिपी को अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।